वेलकम बैक में हूँ आपका अपना राजबराज आपके सामने एक बार फिर से एक्सट्रीम 125R और इसके अंदर मॉडिफिकेशन है वो देख सकते हैं, डिसेंट मॉडिफिकेशन कर दी गई इसके अंदर। सबसे पहले दिखाऊंगा आपको इसके अंदर विंगलेट, वैसे 12 सिंह है इसके मैंने नाम दिया हो, जैसे कि आप लोगों को पता ही है जब भी आप लोग मुझे कॉल करते हो तो 12 सिंह पूछते हो, वही इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया। जैसे लगने के बाद ना लुक हो गई कुछ हिरन टाइप की इसकी, जैसे कि आपको पता है उसके काफ़ी सारे सिंह हो तो इसके भी काफ़ी सारे सिंह निकल चुके हैं। और वैसे जो है इसकी रियल नाम वो है विंगलेट, जो आपको देखने को मिले कुछ इस तरीके से ऊपर भी और सेम मिलेगा वो नीचे भी, बस फ़र्क इतना है ऊपर का जो साइज़ है वो अलग है, नीचे का जो है वो अलग है। नीचे की शेप को आप देख सकते हैं, नीचे की लुक इनहेंस कर रही है और ऊपर की लुक इनहेंस करने के लिए दोनों चीज़ें लगा देंगे इसके अंदर विंगलेट, और साथ में इसमें लगा देंगे इसके अंदर ये देख सकते हो, ये हैं आपके बिग साइज़ वाले आपके विंग्स मिरर जो कि इसमें इंस्टॉल कर देंगे, जो कि देख सकते हो आप बंद करेंगे तो ये हो जाते हैं बंद, और ऑन करना हो तो इसको कर देंगे हम ऑन। और जब भी ऑन होते ना तो इसके अंदर सबसे बढ़िया स्पेशलिस्ट की ये है कि एक तो लॉन्ग साइज़ है ना, तो इसमें क्या होता है आपको पूरा विजिबल होता है इस तरफ से, देख सकते हैं आप फुली विजिबल होता है आपको इस तरफ से, ऐसा नहीं है कि इसे लगाने के बाद कोई लुक ख़राब होती है या फिर आपको पीछे का विजिबल नहीं होता है, तो पूरा विजिबल होता है इसमें लगने के बाद। लुक के साथ साथ आपको साथ एक चीज़ और मिलेगी इसमें इंडिकेटर, जो कि इधर देखने मिलेंगे आपको, देख सकते हो चाबी ऑन करके ये देखिए इंडिकेटर मिलेंगे आपको, राइट जाओ राइट लेफ्ट जाओ राइट, उसमें चारों एक साथ कर रखा है, पार्किंग मोड एक्टिवेट कर रखा है, तो उस केस में आपके दोनों ही जल रहे हैं ये हार्ले स्टाइल। और ये लास्ट पीस था जो कि इसमें लगा है, इसके बाद माल जब आएगा तब आएगा, कहीं कोई कहना भैया आपने कल वाली वीडियो में डाला है, तो ये लास्ट पीस है उसमें लगा है, माल इसका जब आएगा तब दोबारा अपडेट दे दी जाएगी, फिलहाल ये माल आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है इसका। और साथ में इसमें लगा दिया गया मोटो जीनियस का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर, जो कि देख सकते हो आप, इसमें मोबाइल होल्ड करने के बाद कहीं भी आप इजी टू राइड कर सकते हो, अपनी किसी बाइक में से लगा सकते हो। और साथ में आपको देखने लगे इसमें लीवर गार्ड, जो कि आपका लीवर को और हैंड को दोनों करता पूरी तरीके से प्रोटेक्ट, सेम इधर जो कि लीवर गार्ड है वो लगा दे, जैसे आपने उस तरफ देखा वैसे मिलेगा आपको इस तरफ, जिससे आपके लीवर और हैंड दोनों होते हैं पूरी तरह से प्रोटेक्ट। और जैसे इसके अंदर कॉम्बिनेशन दिया गया है ब्लैक एंड रेड का, तो वही कॉम्बिनेशन इसके अंदर भी कंटिन्यू कर दिया गया है। और साथ में आपको देखने लगे इसमें मास्टर हैंडर कैप, ये भी इसके अंदर लगा दी, जो लुक को करते काफ़ी है एनहांस लगने के बाद। और उसके बाद आपको देखने मिलेगा इसके अंदर ये इसके शॉकर प्रोटेक्शन, ये इसके फॉक्स राइडर, इनका जो यूज़ होता है वो आपका मडगार्ड और शॉकर, ये करता है पूरी तरह प्रोटेक्ट। और इस तरफ अगर लगाने का मतलब ये हो गया कि नीचे का शॉकर भी सेफ हो गया, साथ में ABS प्लेट डिस्प्ले ये भी होती है आपकी पूरी तरह सेफ। और मैंने बोला आपको ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन दिया गया, तो वही सेम इसके अंदर दिया गया, इधर भी सेम मिलेगा आपको इस तरफ, और इससे लुक भी काफ़ी एनहांस हो जाती है लगने के बाद। साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर व्हील के अंदर स्ट्रिप जो कि रेड कलर की लगा दी गई है, आप चाहते हो इसमें कोई भी कलर लगवा सकते हो, वैसे इसके अंदर जो लगाया है वो सिर्फ बनेगा ब्लैक एंड रेड, तो ब्लैक एंड रेड ही रहने वाला है। और उसके बाद देखने मिलेगा इसके अंदर, आप देख सकते हैं ये वही प्रीमियम क्वालिटी का क्रैश गार्ड है जो उसके इंस्टॉल कर दिया गया है। इसे इंस्टॉल करने के बाद ना समझ लो आपकी बाइक होती है पूरी तरह से प्रोटेक्ट, फुल्ली होती है बाइक प्रोटेक्ट, साथ में होते हैं आपके खुद के लेग्स प्रोटेक्ट, और इसके TPS भी होते हैं पूरी तरह प्रोटेक्ट, क्योंकि ये होता है आपको मिलता है आपको प्रॉपर फिटिंग वाला, बोले तो देख सकते हैं प्रॉपर फिटिंग का मतलब होता है आपका एक फिटिंग मिलती है आपको इस तरफ, एक मिलती है आपको इस तरफ और तीसरी मिलती है आपको इस तरफ, तो ये मिलता है आपको ट्रिपल फिटमेंट के साथ, बहुत ही प्रीमियम वाला क्रैश गार्ड जिसे आपकी बाइक होती है पूरी तरह सेफ। सेम इधर सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ, लुक चेकआउट कर लो किस तरीके से आती है इसकी। और इसके बाद इसमें लगा देंगे हॉर्न, जो कि ये लगा देंगे आपके हेला के ओरिजिनल हॉर्न, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। इसे लगाने के बाद ना आपको साइड ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही तेज़ आवाज़ है इसके अंदर लगने के बाद। और इधर आपको देखने मिलेगा इसका मीटर पे स्क्रीन गार्ड, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर देगा। स्क्रीन गार्ड मेरे पास अवेलेबल है किसी भी बाइक का, और साथ में इसमें देखने मिलेगा इसके अंदर देख सकते हैं ये इसका ब्रेक पैनल एक्सटेंडर, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया। गाड़ी का कलर जो है वो ब्लैक एंड रेड मैचिंग दे, तो ब्लैक एंड रेड का ही ये आपका मैचिंग कर दिया गया, जिस सब जब ब्रेक मारते हैं देख सकते हो आप काफ़ी इजी हो जाएगा आपको ब्रेक मारना, क्योंकि ब्रेक पैनल इसका होता है छोटा सा और उसको कर देगा बहुत ही ज़्यादा बड़ा, तो इसके बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपकी ये चीज़। और साथ में लैमिनेशन भी कर देगा पूरी बॉडी, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी अल्टीमेट फिनिशिंग के साथ। और इसके बाद आपको देखने मिलेगा इसका टैंक पैड थाई पैड, देख सकते हो आप साइड में मिलेगा आपको थाई पैड्स दोनों तरफ इधर भी और उधर भी, जिससे आप जब राइड करते हो तो आपका पैंट से आपका स्क्रैचेस वगैरह आने का खतरा होता है वो जाता है ख़त्म। और इधर इसे लगा दिया टैंक पैड,
जो कि टैंक पर लगने के बाद ना एक तो आपका टैंक हो जाता है पूरे से सेफ, साथ में जो बेल्ट वगैरह का जो फ्रंट पोर्शन होता है ना बक्कल जैसे हम कहते हैं वो यहाँ पर टच होने के बाद यहाँ पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। चाहे लैमचेक कराओ चाहे PPF कुछ भी करा लो, बट फिर भी यहाँ पर निशान आना मैंडेटरी है अगर आपने टैंक पैड नहीं लगवाया तो। और साथ में देखने मिलेगा कुशनिंग विद कवर, ये मिल गया आपको कुशनिंग विद कवर जो कि इसके अंदर लगा दिया गया है, ब्लैक कलर की मैचिंग का है, ब्लैक ही इसमें लगा दिया गया है जिससे जब राइड करेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल फील होने वाला है राइड करते हुए। और उसके बाद आपको दिखाने वाला हूँ इसके अंदर गियर शॉक्स, ये भी इसके अंदर लगा दिए गए गियर शॉक्स जो कि देख सकते हो लुक इनहेंस तो हो जाए। साथ में ना आपका जो शूज़ है ना वो देखो पूरी तरह से सेफ, ये देखिए करने से, क्योंकि जो इसकी रबड़ होती है जो अंदर होती है वो घिस घिस के आपका शूज़ कर देते ख़राब, चाहे कलर कोई सा भी करेगी उसको ब्लैक, तो इसलिए इसमें ये लगा दिया गया। साथ में इसमें देखने लगेगा इसके अंदर देखो साइड स्टैंड एक्सटेंडर, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया। इसे लगाने से एक तो आपकी बाइक स्टेबल खड़ी रहेगी और स्टेबल खड़ी होने के साथ साथ ना आपका स्टैंड भी होता पूरी तरीके से सेफ। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ एक और बेहतरीन चीज़ जो कि आपको मिलता है लेडीज़ फुटरेस्ट, ये आपका लेडीज़ फुटर को आम लेडीज़ फुटरेस्ट नहीं है, ये है ओरिजिनल वाला लेडीज़ फुटर जो कि इसके इंस्टॉल कर दिया गया। प्रॉपर फिटमेंट है, कोई इसमें जुगाड़ नहीं, कोई अल्ट्रेशन नहीं, सिंपली इजी टू फिटेड जो आपको कंपनी मिलता है वही सेम यहाँ पर लगा दिया गया है इसका लेडीज़ फुटरेस्ट। और बात करें वेट की तो मेरे से बंदा ना इस पर आराम से बैठ के चढ़ सकते हैं इसके ऊपर। और उसके बाद दिखाता हूँ आपको चाबी ऑन करते, देखिए ये देखिए चाबी ऑन करते आपको इधर मिलता है बैक साइड के अंदर, साइडों में मिलेगा आपको इंडिकेटर, इंडिकेटर करते हैं बंद, ये देखिए इंडिकेटर बंद करने के बाद दबाता हूँ ब्रेक, ये देखिए ब्रेक दबाने के बाद इधर आपको मिलेगा वाइट रोशनी जो कि मिलते हैं इसकी बॉडी DRL लाइट्स, ये भी इसके अंदर लगा दी गई है। अमूमन आपने ये देखी होगी ज़्यादातर किसके अंदर R15 MT वगैरह के अंदर। अब इसके बाद दिखाता हूँ आपको इंडिकेटर जो कि राइट जलाएंगे तो राइट जलेगा, लेफ्ट जलाएंगे तो आपका जलेगा लेफ्ट, ये देख सकते हो ये इसके अंदर बॉडी लाइट्स जो कि लगा दी गई इसके अंदर। और इधर भैया खुद लेकर आए हैं बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड कर इसके ब्लिंकर्स, क्योंकि मैं बहुत ही कम रखता हूँ ऐसे ब्लिंकर, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इसमें एक चीज़ और लगा दी गई है जो कि मुझे पता नहीं था, पता है आपको कितना सारा काम होता है इसके अंदर, देखिए ये लाइटिंग भी लगा दी गई है, स्विच ऑफ करेंगे तो ये ऑफ है, स्विच ऑन करेंगे तो आपकी लग गई है, जो कि इसे कहेंगे हम ऐसे रिम लाइट भी कह सकते हैं इसके अंदर। और वैसे इसका नाम है DRL ब्लू कलर की जो कि पीछे से चलते हुए काफ़ी ज़्यादा लुक को करेगी इनहेंस नाइट में चलने के बाद। और इसके बाद बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ है जो मैं भूल चुका था, इसमें फॉग लैंप भी लगाए गए हैं जो कि लगाए 5 फीचर वाले। सबसे पहले दिखा दो 5 फीचर का मतलब ही, देखिए ये हो गया आपका रेड, ये मिलता है आपको वाइट, ये मिलता है येलो, ये मिलता है आपको ब्लिंकर्स एंड येलो वाइट मिक्स, तो इतने सारे फीचर्स हैं इसके अंदर फॉग लैंप के अंदर, ये तो मैं बताना ही भूल गया आप सभी को। तो इस बाइक की मोटिवेशन आपने देखी ली, मैंने सबको बताई दिया है, अब मिलाता हूँ भैया से फाइनली, भैया को कैसा लगा? वैसे भैया को 4 घंटे बिठा के मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा होगा, चलो बाकी फिल्म मिल देते हैं। तो कैसे हैं सर? बढ़िया, सॉरी सर लेट करने के लिए, क्योंकि आपका काम इतना होता है तो आपकी बाइक बहुत सारा काम था। वैसे काम बहुत अच्छा हुआ है, तसल्ली से हुआ है, सुबह 11 बजे आया था, अभी जाके काम खत्म हुआ है। माइक आउट सुबह 11 बजे आए थे, मुझे पता भी नहीं, काम सारा बढ़िया होगा, सारा बढ़िया, किसी को परेशानी नहीं? नहीं नहीं। और रेट वगैरह कोई इशू जैसे कि एक माइंड के अंदर होता है यार जा रहे हैं वहाँ पर कहीं ऐसा ना लूट तो नहीं लिया वीडियो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, ऑल अबाउट सेटिस्फाइड है आप? यस। तो और कोई भाई हो तो आना चाहे तो क्या रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल रिकमेंड करेंगे अपने दोस्त को, इसके पहले भी मैं आपके पास आया हूँ, अपाची करवाया हूँ, उसमें भी ओके काम था, उसमें ओके था। चलो जी, ऑल सेटिस्फाइड है? यस। थैंक यू सो मच सर आने के लिए, ना तो उन्होंने नाम बताया ना जगह बताई। प्रिंस फ्रॉम नोएडा। ओके, थैंक यू सो मच प्रिंस जी, ये आए थे नोएडा से, आप भी आ सकते हो, ऑल इंडिया से चाहे किसी भी क्षेत्र से हो किसी भी ज़िले से हो आ सकते हो आपकी अपनी शॉप राजू भाई की शॉप पर, जो कि मिलते हैं आपको दिल्ली के करोल बाग नावेल के अंदर। मेरी 2 शॉप मिलेंगी आपको, एक मिलेगी आर्य समाज रोड पर और दूसरी मिलेगी आपको आर्य समाज रोड पर ही, दूसरी दोनों का समझा दो कैसे होता है। जब भी आप आते हो ना मार्केट के अंदर, मार्केट और करोल बाग में आते हो तो क्या होता है झंडे वाला मेट्रो स्टेशन के अपोजिट आपको मिलेगी विशाल मूर्ति हनुमान जी की, जो कि आपको पता ही है कि फेमस है, जब भी आप सर्च मारो हनुमान जी की बिग मूर्ति तो यहीं की आती है, वहाँ पर आपको डालना है लोकेशन। और उसके बाद वहाँ से 100 मीटर की रेंज है, क्योंकि मेरी शॉप से हनुमान जी की मूर्ति दिखते हो तो समझ सकते हो कि ज़्यादा दूर है नहीं। और जब भी आप आने का सोच रहे हैं वहाँ आने के बाद आपको अंदर आना मार्केट के लिए, जो कि मिलेगा आपको आर्य समाज रोड, उस आर्य समाज रोड का सबसे बड़ा महत्व बता दूँ, जो हमारा रोड है ना, आप अगर गफ्फार के लिए आते हो तो भी आपको इस रोड पर आना है, बिटनपुरा के लिए तो भी ये रोड आएगा आपका, कार मार्केट तो भी यही रोड आर्य समाज रोड, और अगर बाइक मार्केट तो भी आपका यही रोड आएगा आर्य समाज रोड। तो आर्य समाज रोड याद रखोगे, पहले चौक पर ये शॉप मिलेगी, दूसरे चौक में मिलेगी दूसरी शॉप, तो दोनों शॉप अपनी जब भी आना चाहो आ सकते हो दोनों में से किसी पर भी। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, बाकी अगर कोई मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 7827217 14, ये मेरा पर्सनल नंबर है,
जो कि आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, जो भी क्वारीज हो बता सकते हो, पूछ सकते हो, मंगा सकते हो। तो वीडियो चलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, राजभाई इसकड़ी को जो कि मिलता है यूट्यूब पर भी सेम मिलेगा आपको, इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय मत दिन, गुड बाय।